है क्योंकि टॉप थ्री के चले ही नहीं। दूसरी बात, आप स्टार्क को देखिए जो कितना गंदा बॉल कर रहे थे, इतना बढ़िया बॉल खेल के आया वो मिचेल स्टार्क, उसने अपने पूरा पैसे का वापस कर दिया उसने अपना दाम। रही बात आज के मैच की, आज का मैच इज अ स्टोरी ऑफ अ कमबैक। एक टीम शुरू की थी जिसने सारे मैचेस, जैसे नहीं होता अनन्या क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा जो सारे टेस्ट, मंडे टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट जीतता हुआ आता है, पर जब फाइनल की बारी आती है तो ठुस हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स के साथ ऐसे ही हुई। और दूसरा, उसके बनस्पत अगर आप कंपेयर करेंगे आरसीबी का, हमने कितनी भर भर के गालियां दी राजस्थान आरसीबी के प्लेयर्स को, आपको याद है कि हमने कितनी उनकी आलोचना की, कितने कितने बड़े बड़े उन पर टंच कसे। बट जिस तरह से ये टीम वापस निकल के आई है, इसको कहते हैं कि राइजिंग फिनिक्स फ्रॉम द एशेस, मतलब ढेर से इन्होंने ऐसी बिजली कड़काई कि उसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। कमबैक में ये हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में सबसे बड़ा कमबैक रहा है। नोएल, आपसे एक बार सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम राजकुमार सर के पास जाएंगे और आज के मैच को लेकर डिस्कस करेंगे। नोएल, देखिए जब आपका टीम का बैकबोन टूट जाता है फिर नीचे के जो प्लेयर्स है जोड़ना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाट हैपेंड यस्टरडे। जब आपके पावर प्ले में आपके मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, ट्रेवर्स हेड, अभिषेक शर्मा, ये लोग आउट हो जाते हैं जो रन लाते हैं एवरी गेम में, वो आउट हो जाता है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बाकी के बैट्समैन को जोड़ने के लिए। आप देखिए त्रिपाठी ट्राई करे, यू नो राहुल त्रिपाठी एक अच्छी इनिंग खेले, ही ट्राइड कमेंस करके, कार्सन ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो दे कुडंट गेट अप टू दैट मार्क जो एक्सपेक्टेशंस था। और एक चीज क्या है, देखिए बड़े प्लेयर करेक्ट टाइम पे परफॉर्मेंस करते हैं, दैट इज मिचेल स्टार्क। आप क्या शानदार बॉलिंग की है कल, ट्रेवर साहब को यू नो द वे ही हैज बोल्ड इन, बाकी के जो स्पेल्स आके डाले, आई थिंक दैट इज द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड एंड मिचेल स्टार्क इज नोन फॉर इट। क्रूशियल टाइम पे आके अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। And I feel that, you know, Sunrisers, interesting play shot kal, ki jo unko pata hai, agar ye match nahi to aur ek match unke haath mein, I think that was running in the mind, if I'm not mistaken, I think that is a bad sign, agar wo leke khele kal, then I think unki attitude achi nahi thi kal. But coming to today's match, I think today, aaj ka jo hai, jaisa Sunil ka, you know, it's going to be a blockbuster match, from nowhere to somewhere, RCB, and then number one, jo the pehle, number 2 jo come 6 in a row, then 6-4 losses pe qualify number 3 pe RR, I think this will be a match to be keenly watched because ye eliminator hai, koi chance nahi hai wapis aur ek match khelne ke liye, so I think RCB will go all out aaj ke match mein. King Kohli jo hai main RCB ka jo energetic person hai, energetic batsman hai, energetic fielder. आपने बहुत अच्छा दुरुस्त बात करी है तीनों पॉइंटर्स पे। आज बात करते हैं राजकुमार शर्मा जी से। राजकुमार जी, आरसीबी खुश, आरसीबी के फैन खुश, आरसीबी के कोचेस खुश और राजकुमार शर्मा जी भी खुश। आपकी मीट बिल्कुल ठीक सर। आज ये पूछना तो बिल्कुल कायदे में नहीं है कि आप किसको क्यों और कब सपोर्ट कर रहे हैं, आंसर सबको पता है, पर ये बताइए कि ये कमबैक की स्टोरी है कि नहीं, क्योंकि आरसीबी ने लास्ट के पांचों मैच जीते हैं और राजस्थान ने सारे पांचों मैच हारे, तो आपको नहीं लगता ये वो बच्चा है जिसने फाइनल में पढ़ाई करके 11th फेल से आईएएस की तैयारी कर ली? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त कमबैक रहा है सुनील, बिल्कुल किसी ने सबने राइट ऑफ कर दिया था। बहुत बातें हो रही थी कि आरसीबी इतने बड़े बड़े नाम लेकर ये परफॉर्मेंस होता है उनका हर साल, बट लाजवाब कमबैक की आरसीबी ने, और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा उनकी स्पिरिट को, जिस स्पिरिट से वो लोग वापस आए हैं, तो वो एक एग्जांपल है बाकी टीमों के लिए कि नेवर से डाई एफर्ट जो रही आरसीबी की वो बहुत ही प्रशंसनीय रही है, और इसमें कंट्रीब्यूशन सभी का रहा है। विराट ने जरूर ही इज लेड फ्रॉम द फ्रंट, वो आगे बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया है, स्टेबिलिटी दी है, लेकिन बाकी लोगों का भी अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो बहुत ही शानदार रहा है। ग्रीन ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिया है, पाटीदार ने जिस तरह कंट्रीब्यूट किया है, तो सभी का कंट्रीब्यूशन कमबैक में रहा है, और मुझे लगता है कि अब इस टीम के साथ मोमेंटम है सुनील। राजकुमार जी, आपने सबके बारे में बात की, ये बताइए इतनी कंजूसी से आप तारीफ क्यों कर रहे हैं विराट कोहली की? 708 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट जो लेटर हाफ में वो 180-90 की तरफ है,
ये कंजूसी पता है कि वो आप ऑन एयर करते हैं उनके बारे में, डेलिब्रेट है कि ज्यादा उड़े ना? नहीं वो तो ऐसा है, ये मैं उन लोगों पे छोड़ देता हूँ जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको, कि शायद वो देखें अब कुछ बोले हैं, लेकिन अब वो तारीफ में तो कम से कम उन्हें बोलना चाहिए जब वो क्रिटिसाइज करते हैं। और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा कि कौन है वो लोग, लेकिन अपना फैंस का शो है, आप ले सकते हैं। नहीं सब हमारे फैंस जो है वो बहुत अच्छे फैंस हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग फैंस हैं, वो क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं और जो डे टू डे में हो रहा है उसको भी वो बहुत अच्छे से समझते हैं। सर चाहे आप नाम ना लीजिए, कह रहा हूं या कौन कमेंट्स करते हैं, राजकुमार जी आप बिल्कुल नाम ना लीजिए, हम आपको अलाउ कर देते हैं, पर ये तो बताइए कि चाय पे चर्चा आपकी और विराट कोहली की कैसी रही, ये तो बताना पड़ेगा फैंस को, या इसको इग्नोर कर दें? नहीं नहीं बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है और मतलब अब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो कि अब यहाँ से बिल्कुल भी हारना नहीं बनता है और बिल्कुल होता भी है। ये स्पिरिट सुनील आती है जब आप लगातार जीत के ऐसे जगह से पहुंचो जहाँ पे सबने आपको राइट ऑफ कर दिया हो, लोग आपको अगेंस्ट कमेंट्स कर रहे हो, आपकी स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हो और अब आपके पास ऑरेंज कैप है विद दिस स्ट्राइक रेट, तो वो लोग जरूर बड़े छटपटा रहे होंगे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन राजकुमार सर एक एनालिसिस है दोनों टीमों को लेकर, इस पर मैं आपसे आपका जवाब चाहूंगी। राजस्थान रॉयल्स ने 56% और आरसीबी ने 64% प्लेऑफ मैच हारे हैं। राजस्थान की ताकत की अगर हम बात करें तो बॉलिंग नजर आती है, आरसीबी की ताकत हम देखते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बैटिंग में नजर आती है। एक तो इस एनालिसिस को आप कैसे देख रहे हैं और बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है आज वो कितना कमाल दिखा पाएगा? बिल्कुल अनन्या बहुत अच्छा ये स्टार्ट आपने निकाला है और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा सुनील को, जिनको मैं अक्सर कहता रहता हूँ स्टैट्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल ये मैचअप है एक आरसीबी की बल्लेबाजी और राजस्थान की गेंदबाजी का, क्योंकि अगर आप बल्लेबाजी देखें तो बहुत स्ट्रांग है आरसीबी की, फाफ डी प्लेसिस और विराट कोहली ओपन करते हैं, फिर पाटीदार हैं, ग्रीन हैं, मैक्सवेल हैं, बहुत रियली बैट डीप। और वहीं पर अगर गेंदबाजी आप अगर आरआर की देखें तो ट्रेंट बोल्ट जो कि जाने जाते हैं अर्ली विकेट्स लेने के लिए, उनके पास चहल है, अश्विन है, एक बहुत ही स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है उनका। लेटली वो थोड़े मैचेस हारे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं अपने दोबारा असेसमेंट कर रहे होंगे, दोबारा स्ट्रेटेजी डिस्कस की जा रही होगी राजस्थान की कि हमें कैसे कमबैक करना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने मैचअप्स की बात की है, फाफ डी प्लेसिस और चहल की आईपीएल में जब दोनों की आपस में भिड़ंत हुई है तो 44 रन उसने दिए 50 गेंदों में और 3 बार आउट कर चुका, एवरेज है 14.7। क्या आपको ये लगता है ये मैचअप बड़ा है या ट्रेंट बोल्ट और विराट कोहली का बड़ा है जो ट्रेडिशनल राइवलरी रहती है, आप बताइए सर। देखिए बिल्कुल मैं हमेशा से कहा है कि यजुवेंद्र चहल एक चैंपियन बॉलर है और कभी भी वो जो बाहर के बैट्समैन हैं भले वो फाफ हो या इंग्लिश बैट्समैन हो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रीड करना चहल को, तो वो एक बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी फाफ को और जरूर मुझे लगता है कि उन्होंने काफी स्टडी किया होगा, कोशिश की होगी एक्सपीरियंस को खेलने की, बेटर परफॉर्म करने की। और जहां तक विराट कोहली और ट्रेंट बोल्ट की बात है तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ता है विराट को, क्योंकि वो इनकमिंग डिलीवरीज को बहुत अच्छा खेलते हैं। जरूर उन्होंने ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, उन्होंने आउट किया है 2-3 बार विराट कोहली को, लेकिन विराट मुझे लगता है कि उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काफी लंबे समय से एक दूसरे को देते हुए आ रहे हैं लोग और काफी अच्छे से काउंटर किया है विराट ने हमेशा ट्रेंट बोल्ट को। हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़ गए, थैंक यू अतुल ज्वाइन करने के लिए। कल की बात थोड़ी सी अधूरी रह गई कि जिस तरह से बॉलर्स पिटे हैं और जिस तरीके से नंबर ऑफ सिक्सेस आए वो डबल हो गए पहले एडिशन ऑफ आईपीएल से लेके अब तक, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है बैट्समैन की तरफ या बिगड़ चुका है? देखिए एक तो मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि ये जब से मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ और जो बैठे ये विराट कोहली की तारीफें करना बंद कर दीजिए क्योंकि पानी गीला होता है कोयला काला होता है। Why to just keep on saying the same thing? हम मान चुके हैं QED quad erect demonstrandum hence is proven that is it. So I think just let's not waste time in just you know, because we know आपको आपके पहला शो याद है जब आपने कहा था कि विराट कोहली आरसीबी नहीं जीतनी चाहिए और विराट कोहली इतना ग्रेट प्लेयर नहीं है, आपको याद है आपका और राजकुमार शर्मा जी का भिड़ंत हुई थी इसी मैंने अगर मैंने मेरी बात सुनिए मैंने कहा था आरसीबी जीतनी चाहिए, वो मेरा रीजन अलग है, हमने डिस्कस किया था, मैं डोंट गो देयर, बट
विराट कोहली ग्रेट नहीं, मैंने कब बोला आपको, मैंने तो उसको बोला डॉन ब्रैडमैन से ग्रेट है, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन ने सिर्फ 2 कंट्री में रन बनाया, विराट कोहली ने 8 कंट्रीज में रन बनाए, तो वो ये तो बात कहनी बेवकूफी है ना। बात जो हो रही है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, आपके उसके करते मुद्दे की बताइए, मुद्दा क्या, किस पर डिस्कस करें? नहीं, मुद्दा ये कि मुझे लगता है कि बार बार एक ही बात, क्योंकि विराट इज द बेस्ट, एंड कैन यू इमेजिन आफ्टर इतने सालों के बाद फिर भी वो अभी भी आईपीएल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ वर्ल्ड यंग क्रिकेटर्स, ही इज स्टिल ऑन द टॉप, कैन यू इमेजिन? सो रेस्ट इज देयर, सो वी शुड नॉट बर्डन द डिबेट बाय रिपीटिंग आवरसेल्फ। तो ये बात है। मैं दूसरी बात ये है कि ये जो बात रह गई आपकी कल के मैच की, मुझे लगता है कि ऐसा वन-साइडेड मैच मैंने सोचा नहीं था, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, बट आई थिंक वही हाल हुआ जैसे वर्ल्ड कप में हम हार्ट ब्रेक हुआ था, यहाँ पे सनराइजर्स का हुआ, उन्होंने सोचा नहीं था आप जब पहले बैटिंग करते 160 रन बनाएंगे तो आपके साथ ही होना चाहिए था।